डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय पांडे विजन आईएसटी प्रयागराज में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग अपने ऑनलाइन चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें पीसीएस और आईएएस के पूर्वकालीन जो पेपर हैं उनको हल करवाया जाएगा विभिन्न विषयों के जो विशेषज्ञ हैं। मैं आपको विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग हल करेंगे क्रमशः ईयर वाइज ढंग से हम लोग इसको हल करेंगे। कोरोना वायरस डिजीज 19 के कारण संपूर्ण देश लॉकडाउन में है। फेज़ वाइज अनलॉक में हम लोग हैं। कोचिंग संस्थाओं को रेगुलर शुरू होने में भी वक्त है। इस दौरान समय का लाभ लेने के उद्देश्य से हम लोग इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। आने वाले समय में इसी प्लेटफॉर्म से विभिन्न विषय विशेषज्ञ आपके सम्मुख पूर्वकालीन पेपर्स को डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे और उसमें किसी भी तरीके की कोई तकनीकी बाधा ना। चैट सेक्शंस में जिन चीज़ों के ऊपर आपको और समझ बढ़ानी हो, कोई क्वेश्चन छूट गया हो, कोई क्वेश्चन की विवेचना से आप संतुष्ट ना हो, उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके, जिसका यथोचित ढंग से जवाब दे दिया जाएगा, चाहे एक सेपरेट वीडियो बना करके या आपके जो ईमेल नंबर होंगे, जो ईमेल एड्रेस होंगे उनके ऊपर सेपरेटली उस चीज़ को इशू को एड्रेस कर दिया जाएगा। तो पीसीएस और आईएएस के विविध जो विषय हैं उनके वर्षवार ढंग से हम लोग एनालिसिस करेंगे। इस प्रक्रिया में तीन भाग होंगे। पहले भाग में हम लोग विभिन्न विषयों के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। विभिन्न विशेषज्ञ अपने अपने विषयों के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। वो बताएंगे कि इसी विषय में कौन कौन से सेगमेंट, कौन कौन से भाग हो सकते हैं जिनका पढ़ने के समय आपको ध्यान रखना चाहिए। और जब आप इस चीज़ को जान सकेंगे कि सिलेबस क्या है, तो अगली चीज़ आती है कि इस सिलेबस को पढ़ने के लिए आपके रिसोर्स मैटर कहाँ से आएंगे, कौन कौन सी पाठ्य पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप आईएएस और पीसीएस के सिंसियर कैंडिडेट हैं तो विभिन्न वेबसाइट्स को भी आपको विजिट करना चाहिए, कौन कौन सी पुस्तकें उसके लिए आवश्यक होती हैं, कौन कौन से वेबसाइट्स हैं जो कि आपके लिए उपयोगी हैं, रिसोर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और रिसोर्स और सिलेबस के बीच में पेपर एनालिसिस की जाएगी। आप अपने सिलेबस को जानें, हम लोग पेपर को एनालाइज करेंगे और फिर पेपर को एनालाइज करने के पश्चात आपको ये समझ में आएगा कि सिलेबस के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। इसके बाद हम लोग रिसोर्स को डिस्कस करेंगे। पेपर एनालिसिस एक जटिल प्रक्रिया है। इसका मूल कारण ये है कि विभिन्न विशेषज्ञ अपने अपने विषय का एक विस्तार रखती हैं, और ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसी डिसिप्लिन हो, विषय का कोई एक ऐसा भाग हो जो कि किसी विशेषज्ञ के हिसाब से उसके सेगमेंट में पड़ता है, और कोई दूसरा विशेषज्ञ मानता हो कि नहीं, वो सेगमेंट उसी के विषय के अनुरूप है। जैसे अगर आप देखें कि अगर हम लोग हरित क्रांति की बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के संबंध में तीन विषय विशेषज्ञ उसकी व्याख्या अपने अपने तरीके से अपने पाठ्यक्रम में करते हैं। इकोनॉमिक्स का विशेषज्ञ होगा तो वो देश की आज़ादी के समय पर कैपिटा ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ विभिन्न जो ग्रेन्स हैं उनकी चर्चा करेगा। अनाजों का प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या था, भारत में अनाज उपलब्धता कितनी थी, हम कितने आत्मनिर्भर थे, और उसके बाद हरित क्रांति आई जिसके पश्चात अनाज की उत्पादकता में क्या प्रभाव पड़ा, गेहूं के उत्पादन में कैसे वृद्धि हुई, किन किन क्षेत्रों में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि किस हद तक हुई, या इसी तरीके से धान और अन्य फसलों के बारे में। भूगोल का विशेषज्ञ भी हरित क्रांति की चर्चा आपसे करेंगे। राजवर ढंग से आपसे ये चर्चा कर सकते हैं कि किस प्रकार की फसल के लिए कौन सी सॉइल टाइप जरूरी है, कौन से क्लाइमेट जरूरी है, कौन से बांध जरूरी हैं और इन बांधों की लोकेशंस क्या हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं हरित क्रांति के लिए बीज का, उन्नत बीजों का होना, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का होना, बांध का होना और उर्वरक होना, ये तीन आवश्यक इंग्रेडिएंट हैं। तो अब जो विशेष विशेषज्ञ भूगोल का होगा वो भी हरित क्रांति की आपसे बात करेगा, विभिन्न क्रांतियों की बात करेगा, सतरंगी क्रांति की बात करेगा, भूरी क्रांति की बात करेगा, नीली क्रांति की बात करेगा। एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, साइंस के एक्सपोनेंट, साइंस के व्याख्याता के होने कारण हम भी इसकी बात करेंगे, हरित क्रांति की ही बात करेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य इन दोनों विशेषज्ञों से भिन्न होगा। हम आपसे ये चर्चा कर सकते हैं कि हरित क्रांति के दौरान जिन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स HYV सीड्स के बारे में विभिन्न विशेषज्ञ चर्चा करते हैं,
उनका निर्माण कैसे किया जाता है, उसको बनाया कैसे जाता है। हाइलिंग वेराइटी सीड्स को बनाने की अनेक विधियां हो सकती हैं, जैसे क्रॉस ब्रीडिंग की जा सकती है, संकरण जिसे आप कहते हैं, या म्यूटेशन किया जा सकता है, या आप जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, सारे ये सब हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। तो भूगोल का विशेषज्ञ आपको हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का नाम तो बता सकता है, उसका नाम तो बता सकता है कि लर्मा रोजो है, कल्याण सोना है, सोनालिका है, इस तरीके के बीजों का, उन बीजों का निर्माण कैसे किया जाता है इसके बारे में हम साइंस में चर्चा करें। उर्वरक संयंत्र भूगोल वाला विशेषज्ञ आपको बता देगा, इकोनॉमिक्स का विशेषज्ञ आपको भारत में विभिन्न उर्वरकों का इस समय क्या उत्पादन हो रहा है बता देगा, उर्वरक और खाद में वैज्ञानिक अंतर क्या है ये हमारा विषय है, उर्वरक कहाँ पैदा किए जाते हैं, उनके संयंत्र कहाँ लगे हैं भूगोल जानता है, इस समय भारत में हम किन प्रकार के उर्वरकों के प्रति आत्मनिर्भर हैं ये जो इकोनॉमिक्स का विशेषज्ञ वो जानता है, उर्वरक और खाद में क्या वैज्ञानिक अंतर है ये हम जानते हैं। तो आप देखें कि वास्तव में एक ही विषय हरित क्रांति की हमने बात की और तीन अलग अलग व्याख्याकार अलग अलग ढंग से अपने अपने विषय के अनुरूप उसकी व्याख्या करते हैं। अब एक क्वेश्चन आया हरित क्रांति का, समस्या यह है कि जब हम पेपर एनालाइज करेंगे तो संभवतः हम उस क्वेश्चन को अपने सेगमेंट का डिस्कस कर लें, समस्या यह है हो सकता है इकोनॉमिक्स वाला जो विषय विशेषज्ञ हो उस क्वेश्चन को अपने पार्ट में गिन ले और भूगोल वाला भी गिनेगा। अब आपके सामने मूल समस्या क्या होती है, क्वेश्चन कितने आए साइंस से ये कोई बता नहीं सकता, इसलिए उन्हें बता सकता क्योंकि जब हर विषय विशेषज्ञ किसी कॉमन क्वेश्चन को अपने अंदर रखेगा तो उसके क्वेश्चन की संख्या घटेगी और दूसरे का घटाया वो बताएगा। और इसी तरीके से जब हम अपने विषय के बारे में चर्चा करेंगे तो हम ग्रीन रेवोल्यूशन की चर्चा अपने टेक्स्ट में अपने लेक्चर में करेंगे तो उसके क्वेश्चन को हम क्यों नहीं गिनेंगे। यही एकमात्र समस्या नहीं, इकोलॉजी एनवायरमेंट के संदर्भ में भी बड़ी समस्या है। प्रत्येक भूगोल विशेषज्ञ इकोलॉजी और एनवायरमेंट साइंस के संबंध में आपके संबंध में उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करता है। इकोलॉजी मेरा मानना है बॉटनी की विशेषज्ञता है, ज्योग्राफी की नहीं, ये मेरा मानना है एज एन एक्सपर्ट। कोई भूगोल वाला ये भी कह सकता है कि नहीं इकोलॉजिकल ज्योग्राफी भी होती है, हम उससे हट नहीं रहे हैं, लेकिन बॉटनी का एक सेगमेंट है। एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक केमिकल प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी एनवायरमेंट पॉल्यूशन। तब अब ओजोन डिप्लीशन के क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्या इफेक्ट हो सकते हैं, भूगोल का व्याख्याकार इसकी चर्चा कर सकता है, लेकिन ओजोन डिप्लीशन में जो विभिन्न रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो एक साइंस का ही एक्सपर्ट करेगा। तो होगा क्या कि जब हम आपसे पेपर को एनालाइज करेंगे तो इनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम साइंस के अंतर्गत गिनेंगे और आप में से कुछ लोग इस बारे में संतुष्ट नहीं होंगे, अरे इसको तो भूगोल में होना चाहिए था, इसको तो इकोनॉमिक्स में होना चाहिए था। आप क्या है, आप एक स्टूडेंट है, आप एक विशेषज्ञ नहीं है, आपको सभी विषयों पर अधिकार प्राप्त करने हैं। कोई विशेषज्ञ अपनी विशेषज्ञता के अनुसार अगर किसी चीज को डिस्कस कर रहा है तो आप उसको आत्मसात कीजिए, आपका होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। विशेषज्ञ और आप में यही अंतर है, विशेषज्ञ एक विशेषज्ञ है, उसको IAS अथवा PCS की परीक्षा क्रैक नहीं करनी है और आपको उस परीक्षा को क्रैक करना है, तो आप किसी विषय के विशेषज्ञ ना हो, जितने भी विषय विशेषज्ञ आपको इस दिशा में सहयोग दे रहे हैं, सबके द्वारा दिए गए विचारों को आप एक ढांचे में डालें, उसको एक मूर्त रूप दें और फिर उसका प्रयोग करें। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, आगे आने वाली सीरीज में जो हम साइंस से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर भूगोल और फिर इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन पेपर की इसी तरीके से एनालिसिस की जाएगी। तो आगे आने वाले समय जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हम लोग सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे, साइंस का सिलेबस क्या होता है, क्या कहलाता है, और इसके बाद फिर उसी के आधार पर हम लोग पेपर एनालिसिस करेंगे और इसके पश्चात हम लोग उसके रिसोर्स के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि वास्तव में उसके रिसोर्स कौन कौन से। तो आगे आने वाली जो हमारी लेक्चर सीरीज होगी, हम लोग पहले PCS के पेपर को चर्चा करेंगे और इसके बाद आगे भी हम लोगों ने योजनाएं बना रखी हैं। हम लोगों की योजना यह है कि आगे आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस लॉकडाउन पीरियड में जो अब अनलॉकिंग के फेज में जा रहा है उसका हम लोग और बेहतरीन उपयोग कैसे कर सकते हैं। आपके विचार आमंत्रित हैं, चैट बॉक्स में, ईमेल बॉक्स में आप जाकर के आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या योजनाएं हैं, आप किस तरीके से हमारा सहयोग चाहते हैं, किन विषयों पर आप चाहते हैं कि हम आपसे चर्चा करें, इसके बारे में यदि आप हमको अपने विचार बताएंगे तो हमारे लिए और बेहतर होगा कि हम इस सीरीज को आपके लिए और ज्यादा उन्मुखी बना सकें। वैसे मेरी योजना यह है कि पहले PPR के पेपर के PCS के पेपर की एनालिसिस के बाद यदि आप मांग करते हैं तो IAS के पेपर की एनालिसिस भी इसी ट्रैक पर कर दी,
और इन दोनों सीरीज के पश्चात फिर मैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी साइंस, क्योंकि ये सभी के लिए कॉमन है, इससे हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें प्रतिदिन हम लोग किसी एक विषय पर अध्ययन करेंगे। यूजली हमारे लेक्चर की लेंथ हम प्लान कर रहे हैं कि 35 मिनट से लेकर के 45 मिनट या हद से हद एक घंटे की हो। इससे ज़्यादा बड़े लेक्चर जो हैं बोझिल हो जाते हैं, उसमें उतना मन भी नहीं लगता है, तो 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट की एक योजना है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे इस योजना के अंतर्गत आप लाभ लें तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि कोई हम जो है वीडियो लोड करते हैं तो उसकी पूर्व सूचना आपके पास हो जाएगी, और यदि आपको उपयोगी लगता हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक।